हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं के अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। आज 15 जून है, रात में व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, उसके बाद कल भाई आ जाएंगे, भाभी आ जाएंगी। कल 4 डेज टू गो बचेगा भाई के बर्थडे का, तो उसके लिए हम कुछ प्रिपरेशन करने आए हैं। और क्या कर रहे हैं चलिए आपको दिखाते हैं। फोटोग्राफ्स दो। गुड्डू खालू को किसने जबरदस्ती बैठा दिया। देखो हम लोग यहाँ पे हर वक्त पार्क जाते थे घूमने के लिए और भाई का मन नहीं होता था, जबरदस्ती उसे भी ले जाते थे। कैसे गुस्से में बैठा नहीं वो क्या क्या रोज रोज मतलब पार्क जाएंगे। थोड़ा बड़ा हो गया था उस वक्त, समझे। हम आपको बताते जाते हैं, ये तो हम चिपका देंगे। देखो रिदे ने फिर से क्या बना के रखा है घर का हाल। स्कूल का प्रोजेक्ट 50 मार्क्स का SOP W, वो तो दुनिया को पता है तुम्हारे प्रोजेक्ट। ये फोटो फ्रेम है, इतना बड़ा कोई नहीं बनाएगा जितना बड़ा मैं बनाऊंगी। वाह रिजा, ऑल द बेस्ट। तो ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का है? नहीं, सिर्फ SOP W बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ही होता है। हाँ जो है वो बिल्कुल बनने ही वाली है, वो भी बस आने ही वाले हैं। सब बुलाती है सारे को, कोई कमी है तो बता तो सकती है। मम्मी सुबह से मेरी डाइट तोड़वा रही है, मुझे मीठा खिला रही है। भाई बहन जैसा खाते हैं ना मीठा, तो मैंने कहा परफेक्ट परफेक्ट शाबाश, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। नेम प्लेट आ गई है फ्रेंड्स, और मुझे रिजरियान को लेने जाना है, तो हम संतोष भैया को चाबी देंगे, जाके वो ऊपर उनसे लगवा लेंगे। फ्रेंड्स भाई भाभी आ चुके हैं और भाई के लिए खीर लेके जा रहे हैं रेहान। फ्रेंड्स आज अम्मी ने कद्दू बनाया है जो कि थोड़ा मीठा लगता है, इसलिए मेरा आज खाने का मन नहीं कर रहा। लंच मीठा लगता है क्या? कद्दू सब्जी नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कोई भी सब्जी अच्छी लग जाती है, लेकिन कद्दू नहीं। कद्दू के साथ कुछ नमकीन होना चाहिए। कद्दू नहीं खा के मैं खीरा टमाटर ककड़ी खा रही हूँ कि शाम को तो आज कुछ अच्छा स्पेशल बनेगा, तो वहाँ शाम को तो ज्यादा हो ही जाएगा। अच्छा कद्दू चटपटा बना है, हमने हरी मिर्च भी डाली, लाल मिर्च भी डाली, उसको खाना नहीं है कद्दू बस। हमने एक हफ्ते से नॉनवेज नहीं खाया है, तो आज मटन खा सकते। फ्रेंड्स भाई भाभी आ गए हैं, भाई को खाना खाना है। अम्मी का पालक पनीर रखा हुआ था, तो वो भेज रही है अम्मी भाई के लिए, और कद्दू भी भेज रही है। देखते हैं भाई को अच्छा लगता है कि नहीं। अम्मी बना रही है मटन और मैं काट के दे रही हूँ प्याज। अम्मत क्या ना कि सबा ने कुछ किया नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ मैं, प्याज काट के 10-10 प्याज। प्याज जो है वो कट गई है फ्रेंड्स, और फिंगर में लग भी गई है, मतलब खून तो नहीं आया लेकिन दब गई है। 2 किलो चिकन से चर्बी निकाली हमने, चर्बी हाँ अच्छा करा निकाल दी है। मैं ब्लॉग एडिट करूंगी, उसके बाद मुझे शाम की तैयारियां भी करनी है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मतलब ब्लॉग एडिट करने के बाद मिलती, तैयारियां तो आपके साथ ही करेंगे। शाम को गई, मुझे थोड़ी भूख लगाई थी क्योंकि लंच नहीं किया, तो मैं इसे थोड़ा खा रही हूँ। इस वक्त बज चुका है फ्रेंड्स 5:30 ना, और मैं और रिजा 6:30 हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ सरप्राइज छोटा मोटा करने, क्योंकि जो भाभी ने काउंटडाउन स्टार्ट किया है भाई के बर्थडे का, तो हम लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए अभी नाइकी फैक्ट्री स्टोर। एडिडास का ऑप्शन तो गया क्योंकि वहाँ रेनोवेशन चल रहा है। इसका पैटर्न अच्छा लग रहा है। ये चारों सेम है? हाँ वो बहुत बड़ा है। कोचिंग का टाइम है, वो भी हो गया, तो उसे हम लेते हुए घर जाएंगे। और इसे हम गिफ्ट पैक कब कराएंगे, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी हर चीज में लिखती है ना, इतने दिन बचे हैं बर्थडे के, उस पर चिपका के रखेंगे, ढाक के मेरे भाई खोलेगा तो उसमें लिखा होगा। अभी आपको दिखाते हैं क्या। मम्मी ने आज बहुत दिन भर मटन बनाया है, और टेंशन भी अम्मी को रहती है कि अच्छा बनागा नहीं बनागा, भाई इसने दिल से खाएगा इतने दिनों बाद, तो हम चेक करते हैं कि मटन कैसा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बस ऊपर का तेल निकाल दो। अच्छे है ना, मैंने वहाँ से भाभी को भी फोटो भेज दी थी। अब तस्वीर दूर? हाँ नहीं नहीं, हाँ सॉरी दूर से, ठीक है अच्छा। और अम्मी आप भाई को कहती हो ना पानी पियो, तो ये आप देना अपने तरफ से जिम में लेके जाने के लिए बड़ी सी बॉटल। ऐसा नहीं की ज्यादा बड़ी हो, नहीं नहीं वो इससे भी बड़ी ले जाते हैं। इससे बड़ी ले जाते हैं? हाँ वो तो सब एक साथ दे दें या एक एक करके दें? एक साथ एक साथ एक साथ क्यों, अभी 4 दिन बचे भर देंगे वापस नहीं आएंगे क्या? कुछ भी, सारी चीजें हम ले आए, अब इसका हम क्या करते हैं आप देखें। देखिए 4 days to go जो है वो रेडी हो गया है, अभी मेरे साइड में रख देंगे, और खाने से खाना तो बन ही गया है सब कुछ, सिर्फ यहाँ पे डेकोरेट करके रखना, और सिर्फ भाई के लिए रोटी बनानी।
दिख जाएगा। यहाँ पे रोटी जो है वो बन रही है और अम्मी यहाँ पे लास्ट वाला काम कर रही है, मटन में ऊपर धनिया डालना। ये अम्मी का फेवरेट काम होता है, अम्मी का मन होता है कि धनिया भर डाले उसमें, तभी तो अच्छा लगता है। सारी चीजें यहाँ पे डन है फ्रेंड्स, बस भाई भाभी का इंतजार है और हम रेहान सब भूख से बहुत भूख लग रही है फ्रेंड्स। मैं एक निवाला भी नहीं खाने को देंगी, भाई शुरुआत करेंगे। हम लोग टेस्ट करके बताते हैं ना, फिर देखते हैं। हाँ, हम लोग टेस्ट कर ले क्या? हाँ, मैंने दिन का खाना नहीं खाया, मैंने भी तो नहीं खाया फ्रेंड्स, ये भूख से बेहोश होने वाला। रेहान तो थोड़ी देर और जिंदा रह ले, अम्मी बेहोश हो जाएगा वो। रुमाली रोटी आगे रिजा, तुम्हारे चखने से कुछ नहीं होगा, आवाज सिर्फ मेरा यकीन करेगी। बहुत बड़ा निवाला खा रही। अरे बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छा है। तो पूछ रही हूँ कैसा बना है, तो पूछ रही हूँ किसान उद्यानस पहले बता दो कैसे बना है। तो ये भी मुझसे बिगड़ गया था। जब इतना सीरियस हो रहा होता है फ्रेंड्स, तभी क्यों इतनी हंसी और आज अम्मी सीरियस गुस्सा हो रही है। सही अम्मी, अच्छा बना। अम्मी आप इतना चिड़चिड़ा रही है, मुझे लग रहा है आपको भी भूख लग रही है। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, उससे क्या है कि ईद में बिगड़ गया था थोड़ा से सरसों के तेल की वजह से। तो मैं कहती हूँ फिर तो नहीं कहीं ऐसे हो जाएगी, बेचारे बच्चे बच्चे 10 दिन में आए भूखे प्यासे। वहाँ खूब खाया है, खाया है, लेकिन तब भी घर घर होता है ना। 8.5 है, या तो उनके पास 7.5 या 8.5 है। ट्रेनिंग अभी लोग आ गए फाइनली इतने दिनों के बाद, अब बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी भी खुश हो गई और इतनी सारी चीजें भी लेके आए हैं, आप देख ही चुके होंगे। और अच्छा लगा आपको सरप्राइज आज का? भाभी ने तो इतना अच्छा इस बार मतलब लेवल सेट कर दिया है ना। मुझे टेंशन होने लगा है, देखते हैं तुम इसके बदले में क्या करोगे। वही तो, लेकिन भाभी को कोई नहीं वहाँ तक पा सकता है, हम लोग नहीं कर सकते, पहले से ही बोल देते हैं। हम इसे सरप्राइज कर सकते हैं जिस तरीके से पूरा मॉल में हर चीज किया ना, वो सिंधी स्वीट्स में। बाय द वे सबकी न्यूज, हमने न्यूज पढ़ी है कि सागर कोई करके रेस्टोरेंट एलेंटे मॉल में, वहाँ पे छोले भटूरे में छिपकली। हाँ। बट हम वहाँ नहीं गए थे, हम सिंधी स्वीट्स गए थे। अच्छा। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने दो बार अपने ब्लॉग में गलती से हम बोला सिंधी करी। हाँ। हम सिंधी स्वीट्स गए थे। अच्छा, वहाँ पे निकली है ना कहीं पे? हाँ, और सीधी सी बात है, देखो जिस दिन मौका मिल गया उस दिन कुछ बहुत अच्छा कर लिया। अब जैसे मुझे पता था कि 9 days टू गो, मतलब दूसरे सरप्राइज के दिन पे शोएब शूट पे है, अब शूट पे मैं वो पूरी चीज प्लान कर पाई तो मैंने कर ली, फिर एक दिन कुछ नहीं कर पाई तो मैंने कुछ नहीं किया। 5 days टू गो वाला ट्रेन में कुछ नहीं किया। मुझे लगा ट्रेन में कुछ हुआ होगा। और मैंने पर्स में सब कुछ रखा था, लेकिन इस बार हम लोग ट्रेन में जो सोए हैं, अच्छा, मतलब कोई इंसान नहीं उठा अभी। हाँ। भी मेरे ट्रेन में वो पंप और 5 नंबर का बलून रखा हुआ है। अच्छा। 9:30 बजे झांसी आया था। हाँ। झांसी में मैं 10 मिनट के लिए उतरा, नीचे देखा मैंने स्टेशन पुरानी यादें थी, एंड देन फिर उसके बाद जो हम सोए हैं। हाँ। फिर रात में भोपाल भी आया 12:30 बजे, लेकिन मैं ऐसे देखा, मैंने कहा मेरी उठने की हिम्मत नहीं है, फिर मैं वापस सो गया। फिर सुबह 9:30 के आसपास आँख खुली। भाभी ने कुछ और भी प्लान करके रखा होगा, इस बार मुझे भी नहीं पता है। तो फ्रेंड्स जो भी होगा आपको आगे पता चलेगा, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। बस दुआ कीजिएगा कि बारिश ना हो, ये बोलूंगी सबको, बोलूंगी प्लीज दिल से दुआ करना कि बारिश ना हो। आउटडोर है क्या? बस दिल से दुआ करो बारिश ना हो। 21 को हो जाए 20 को ना हो। ठीक है, नहीं दुआ करनी है बारिश ना हो। वो वेदर चेक कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, जुमा मुबारक। अम्मी ने आज बनाई है मिक्स सब्जी, सारी मिक्स सब्जी, हरे मिर्ची। अच्छा, मसाले की नहीं। अच्छा, ये पापा का खाना जा रहा है। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है, अभी मैं थोड़ी देर डांस कर रही थी, आज जुमा भी है, अभी बस नहाने जाऊंगी। आज मैंने सुबह से मतलब इंटरमीडिएंट फास्टिंग करने की कोशिश की, रात में 10:30 बजे खा लिया था और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और अब मैं चाय पी रही हूँ। चाय से नहीं खोलना चाहिए इंटरमीडिएंट फास्टिंग, लेकिन ठीक है, अभी लेट हो रहा है। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नहा के, उसके बाद जो करेंगे वो आप सबको बताएं। डाइटिंग चेक करिए फ्रेंड्स, मैंने एक बिस्किट और टोस्ट आधा कर दिया है, डाइटिंग का डेडिकेशन देख रहे हैं। अभी 2 मिनट के अंदर फिनिश करूंगी, उसके बाद खाना भी खाऊंगी। खाना भी खा लूंगी।
अच्छा है। चल इसको डांट पड़ी अम्मी से, इसने आज स्कूल में अपना फ्रूट ब्रेक में ये नहीं खत्म करके लाई है। अम्मी को बिल्कुल ज्वालामुखी। अम्मी ने कहा अभी 2 मिनट के अंदर फिनिश चाहिए, गुस्सा ठंडा हुआ। हाँ अम्मी एक काम करो, डंडी रख लो, चिल्लाया मत करो। क्या इतने बड़े हो गए तो मैंने कभी मारा तो इनको क्या मारे, लेकिन जितने मैंने फल दिए थे उसमें से उसने एक फल नहीं खाया। कटोरी दिखाई इसकी, हाँ। एक फल खा लेती, अब पूरे बैठ सजा यही पूरे खाएगी फिर खाना खाएगी। सही बात है। हाँ। तुमने खाए थे अपने? हाँ हाँ मैंने खाए थे। अरे खाए थे, कोई कोई बच्चे फेंक भी देते हैं। नहीं गंदी बात, सही बताओ रे। हाँ अरे अल्लाह जानता है मेरा, अल्लाह पता है, इतना रोएगा है फिर। अरे तुम्हारे मैंने बोला ना अल्लाह जानता है मैंने खाया है, पक्का बताओ। अरे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी ऐसा नहीं करना। अरे अगर मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे पता है मुझे गुनाह पड़ेगा। हंसी क्यों? अरे मुझे हंसी आ जाती है आप लोगों को देख के। क्यों, हम लोग कार्टून है? कार्टून कार्टून और मेरा ये कर्सर हमेशा अटकता है। आप लोग कभी अटकता होगा ना यार, ये बड़ा अनोइंग होता है। दिन में मैं भाभी के साथ मॉल आ गई थी, हमें कुछ चीजें देखनी थी, वो क्या थी वो आपको इंशाल्लाह आगे पता चलेगा। काफी दिन बाद भाभी के साथ मॉल घूम के अच्छा लगा, और यहाँ देखो हमेशा की तरह मैं पीछे क्योंकि मुझे डर लगता है। और ये मॉल जो फिनिक्स मॉल था, शायद हम यहाँ काफी टाइम बाद गए थे, मैं एक बार बहुत पहले गई थी तो काफी टाइम बाद जाके यहाँ अच्छा लगा। और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, चलिए चलते हैं। कहाँ से आए हो रेहान? ऊपर से। इस वक्त बज चुका है 9:30, अभी हम लोग घर आए हैं। अब क्यों गए थे वो तो आपको पता ही है, भाई का बर्थडे आने वाला है, ऐसे कुछ देखने गए थे, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। और वहाँ पे हमने दिन में थोड़ा ही खाया था तो मुझे भूख भी लग रही है। ये था मेरा आज का आउटफिट, हम चेंज वेंज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गई थी? जीते रहो। कहाँ गई थी? मैं पापा खाना सबको। भैया आपकी पनीर की रेसिपी हिट हो गई, सब इतनी तारीफ कर रहे हैं। चलो सबके लिए शुक्रिया, मुझे टूटा फूटा जो बनता है बता देती। सब कह रहे हैं अम्मी की और रेसिपी बताना। बताएंगे इंशाल्लाह, जरूर बताएंगे। और सब कह रहे हैं कि बहुत आसान वाली भी है। हाँ सही है, उसे मसाला तेल मत नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है। थोड़ा क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री। खाना लेके गए, नमाज पढ़ी सकी, थोड़ा सा देव को दे दें वो गरम करके। क्या मटन? हाँ थोड़ा सा। जोर की भूख लग रही है फ्रेंड्स, लेकिन भाई का 3 डेज़ टू गो वाला जो गिफ्ट है वो तो अभी हुआ ही नहीं है, तो बच्चों को उनको कुछ देना है तो वो कह रहे चल के दिला दो। 9:30 बज रहा है, शॉप ना बंद हो गई हो, तो हम जल्दी चलते लेके आते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। ये नहीं देखा बाबू ब्रदर वाला दिख रहा है रेसा? हमें क्या लिखा है? तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? ब्रदर के लिए और कुछ क्या होता है? लड़कों के लिए बहुत कम ऑप्शन। कोई दो है रेसा, बताओ कौन सा। ये ले लेते हैं ना, 3 है निकाल। गोल्डन सही है ना, फटा वटा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, मुंह से भूल जाएगा ना रेसा? हाँ जी भूल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा होगा। ठीक है चल। अच्छा इतना बड़ा होगा? बहुत बड़ा। हाँ तो ठीक है, उतना ही ऐसे पूरा हो जाएगा। जल्दी से फुला के देखो फूलता है कि नहीं। बस कुछ नहीं हुआ है, वैसे हो सकता है भाभी ने कुछ किया होगा, लेकिन आज उनकी तरफ से, तो ये लोग अभी जाएंगे और देख के आए। फाइनली टाइम मिला है 10:30 बजे डिनर करने का, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। डिनर में रोटी भिंडी और मटन था, मटन के पीसेस रेहान को खिला दिया क्योंकि मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं था। 2 दिन का वीडियो भी मैं रात में आके एंडिंग दे रही हूँ, सोने जा रही थी, कल जल्दी भी उठना है क्योंकि रिजा के स्कूल में पीटीएम भी है और भाई का बर्थडे भी आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन है। और हम सोच रहे हैं कि कल या परसों में ना आपको होम टूर भी दे दें ऊपर वाले फ्लैट का। चलते, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। I love you.